नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज, मैं आपके साथ हूं। शहीदों की चिंताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा। ये पंक्तियां सुनने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आपको बता दें कि शहीद स्मारक को पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है, पर यहाँ ना तो बाहरी पर्यटक आते हैं और ना ही लोकल के। यहाँ पर बस कुछ ही लोग शाम को रह कर टाइम पास करके चले जाते हैं, और जाएं भी क्यों ना, यहाँ पर इतनी अव्यवस्था है जिसका जिक्र तब हम नहीं कर सकते। यहाँ पर भारत माता का मंदिर है, जिसका निर्माण सन 2005 में विकास प्राधिकरण द्वारा करवाया गया था। यह अपनी जर्जर व्यवस्था को लेकर आंसू बहा रहा है। यही नहीं, इसकी हालत केवल देख रेख के अभाव में हो गए हैं। जब इसका निर्माण हुआ था तो जगह जगह पत्थरों में बूथ बनाए गए थे, बच्चों के खेलने के लिए झूले, हाथी, घोड़े बनवाए गए थे, पर आज सब सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। शहीद स्मारक में होने वाले शहीद दिवस से ठीक एक दिन पहले रंगाई पुताई का काम कराया जाता है। गनीमत यहाँ तक है कि कम से कम रंगाई पुताई ही हो रही है। शहीद स्मारक स्थित पुल पर भीषण गोलीकांड हुआ था। अंग्रेजों और किसानों द्वारा हुए लड़ाई को दूसरा जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। भीषण नरसंहार में कई किसान शहीद हो गए थे। शहीद स्थल को विकास कराने का जिम्मा विकास प्राधिकरण रायबरेली को है, लेकिन प्राधिकरण खुद पलीता लगाता है, और हालात ऐसे हैं कि लगभग किसी जमाने में लगाई गई मूर्तियां टूट गई हैं। उनको ना ही ढका गया है और ना ही उनके स्थान पर कोई दूसरी मूर्ति लगाई गई है। सिर्फ प्राधिकरण जमीन फूल को साफ करा कर रंगाई पुताई का काम करा देने मात्र से अपनी जिम्मेदारी को पूरा समझता है। सरकार द्वारा विकास के नाम पर दिया गया करोड़ों रुपए का कोई लेखा जोखा आपको मिलेगा नहीं, और पूछने पर विभाग चुप्पी साध लेता है। रायबरेली से हर्षित द्विवेदी की रिपोर्ट। क्या नाम है? मुकेश कुमार। अच्छा, ये आप शहीद स्मारक आते हैं पर्यटक? जी, हम घूमने फिरने स्थानी निवासी हैं। अच्छा, थोड़े दूर पे मेरा घर है, यहाँ मुंशीगंज क्षेत्र में। अच्छा, यहाँ तो थोड़ा घूमने के लिए चले आते हैं, मौसम सही नहीं रहता तो कुछ यहाँ हवा लगा करती है। तो यहाँ पे क्या सुविधाएं होती हैं आपको? सुविधाएं आप जैसा देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी गंदगी, आपको टूटे फूटे सब ये सब देख रहे होंगे। ये सब यहाँ पे तो कोई सफाई करने के लिए आता नहीं, पहली चीज़ तो ये है। फैमिली भी लेके आओ या ऐसे घूमने आओ तो कोई यहाँ पे कोई वैसी सुविधा नहीं है जैसा कि होनी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे कोई पे ये PRD के कुछ होम गार्ड भी हैं जो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तो वो तो ड्यूटी दे रहे हैं, उनसे सफाई से कोई मतलब ही नहीं है। और ये तो सही चौक है यहाँ पे मुंशीगंज का, और यहाँ पे 7 जनवरी 6 जनवरी को मेला भी लगता है, उसी समय यहाँ की साफ़ सफाई होती है, और बीच में कोई ऐसी साफ सफाई नहीं होती है। अच्छा, और पार्क भी बना हुआ है, शाम को यहाँ घूमने आते हैं, बहुत भीड़ होती है, और लेकिन यहाँ पे साफ सफाई को लेके कुछ कोई सफाई कर्मी यहाँ नहीं आता, कोई भी सफाई कर्मी। क्या मांग है आपकी सरकार से? हम तो यही चाहते हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी, कि यहाँ के लिए कुछ करें, यहाँ पे और अच्छा करें, साफ सफाई रखें कि जिससे कि यहाँ का नाम हो, मुंशीगंज का नाम हो, और यहाँ तो वैसे भी एक सही चौक है, तो यहाँ पे तो वैसे भी अच्छा साफ सुथरा रहना चाहिए। तो ये देख रहे हैं कि ये सही। क्या नाम है? शिवम कुमार। ये शहीद स्मारक में पर्यटक बन के आप आते हैं? जी जी। यहाँ पर कैसा, मतलब आपको कैसी असुविधाएं का सामना करना पड़ता है? यहाँ पे तरह तरह की असुविधाएं होती हैं, साफ सफाई की व्यवस्था है, जैसे कि आप भारत माता के मंदिर में देख रहे होंगे ये सब ऊपर पशु पक्षी का मल पड़ा हुआ है, इसकी सफाई फाई कुछ होता ही नहीं। और जो भी PRD के जवान रखे गए हैं वो गार्डन की तरफ है, ना कि शहीद स्मारक एरिया में कोई आता भी नहीं, ना ही कोई चौकीदार, ना ही कोई सफाई कर्मचारी। अच्छा, तो सरकार से क्या मांग करते हैं आप? मैं सरकार से ये मांग करता हूँ, जो भी इसका बजट दिया जाता है, इसकी देख रेख अच्छे से हो सके यहाँ पे, और जो भी हो सफाई कर्मचारी और सुरक्षा कर्मचारी जो हैं उनको यहाँ पे ड्यूटी लगाई जाए, और जो 24 घंटे यहाँ मौजूद रहें, चाहे इनको रूटीन वर्क से लगाया जाए, चाहे ऐसे अपने हिसाब से।